और निराश होकर के विश्वामित्र के पास गई। कहा, मुनिवर आप बड़े दयालु। जनक जी तो शोक समुद्र में डूब चुके थे, आपने ये दोनों भाइयों को ला करके धनुष को तोड़वा करके उनको शोक समुद्र से उबार दिया, उद्धार कर दिया। बस इतना ही कर दो, तुम्हारे तो चेला है ना, एक बार आदेश दे दो। विश्वामित्र ने कहा, देखो हम महात्मा हैं, इनको यहाँ ला दिए, धनुष तोड़वा दिया, इतना ही क्या कम है, लेकिन अब सिर झुकाने के लिए मत कहो। जब सब तरफ से निराश हो गई सखियां, तो अंत में फिर से लक्ष्मण के पास गई। अब जाके कहा कि भैया आपसे कुछ हमको अकेले में बात करना है। लक्ष्मण ने कहा, तुम तो जो कहना कह दो, यहां सब अपने ही, तुम तो कह दो। तो सखियों ने धीरे से एक बात कही। क्या कहा? लक्ष्मण के कान के पास सखियां गई, मुंह लगा करके धीरे से कहा, इशारा उर्मिला की तरफ किया। क्या किया? उर्मिला की तरफ धीरे से इशारा करके कहा, तुम हमारा काम बना दो, हम तुम्हारा काम बना देंगे। जैसे ऐसे कहा, अब हमें नहीं कराओ कि लक्ष्मण को लोभ हुआ। जैसे सखियों ने यह बात कहा, लक्ष्मण जी गए भगवान राम के सामने दंडवत गिर पड़े, प्रणाम किया। जैसे दंडवत प्रणाम किया, भगवान राम झुक करके लक्ष्मण को उठाने लगे, तब तक माता सीता ने जयमाल डाल दिया। अब भगवान राम ने कहा, अरे लक्ष्मण ये क्या कर दिया तुमने? तो कहा, भैया आपने धनुष तोड़ा था ना, उसके बाद हम प्रणाम करना भूल गए, जब याद आया तो प्रणाम करने लगे। उसके बाद भगवती सीता के साथ भगवान राम का पावन विवाह हुआ। विवाह के बाद अयोध्या माता सीता गई, लेकिन बहुत काल तक अयोध्या में सुख पूर्वक नहीं रह पाई। माता कैकेयी के वचन मान करके भगवान राम 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण और सीता के सहित वन चले गए। वहां चित्रकूट में जाकर के कामदगिरि पर्वत पर अपना निवास बनाया। यहां भरत जी उस समय ननिहाल में थे, जब आए दशरथ ने तो अपना प्राण ही त्याग दिया वियोग में। लक्ष्मण जी आए तो भरत जी जब आए ननिहाल से, तो पहले तो अपने पिता का और दौर ही कर्म किया, और करने के बाद भगवान राम को मनाने के लिए गए। जरा एक बार भरत के चरित्र को भी देख लो, कितना पावन चरित्र है। कहते हैं जब भगवान राम बन के गए थे तो क्या हुआ था? कहते हैं बन के जो आदिवासी लोग थे, स्त्रियां थी, वो सब के सब एकत्रित होकर के आ गए, और आकर के भगवान राम के सामने ये कहने लगे, भला इनके माता पिता कौन जो ऐसे सुंदर सुकोमल चरण वालों को वन में भेज दिया। केवल इतनी बात हुई, लेकिन जब भरत जी मनाने के लिए गए तब क्या हुआ जरा देखो। जब भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं तब क्या हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं, जब न होत जग जन्म भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। कहते हैं भरत जी जब चित्रकूट जाने लगे तो जड़ तो चेतन हो गए और चेतन जड़ हो गए। क्या हुआ? जिस रास्ते से भरत जी जा रहे थे, कहते हैं वहां के पर्वत सारे के सारे पसीज गए और उनसे जल की धारा बहने लगी, मानो अश्रुपात कर रहे हो, रो रहे हो पर्वत।
क्यों? भरत के उस प्रेम को देख करके पर्वतों से भी धारा बह चली, मानो पर्वत रो रहे हो। जितने ये वृक्ष थे वो सारे के सारे वृक्ष जिधर से ये निकल रहे थे भरत, वो सारे के सारे झुक गए। कैसे झुके? मानो उन वृक्षों के मन में आया कि ऐसे परम प्रेमी के चरणों में हमारा स्थान होना चाहिए, इसलिए अब वो सारे के सारे झुक गए। चित्रकूट जो गए होंगे देखा होगा, जहां भगवान राम का भरत से मिलन हुआ वहां पत्थर पिघल गया है। आज भी भगवान का और भरत का चरण चिन्ह बना हुआ है, पत्थर पिघल गए। और जो चेतन थे उनकी क्या दशा हुई? कहा ये हाथी सिंह व्याघ्र ये हिरण अपना अपना बैर मिटा करके भूल गए बैर, अब आकर के रास्ते के पास खड़े हो गए। ऐसे खड़े हुए कि उनको अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रह गई, मानो पत्थर के बने हो, मानो ये जड़ हो, ऐसे शांत एकदम, न कान तक नहीं हिला रहे हैं। केवल इससे पता चल रहा है कि ये चेतन है कि उनके आंखों से केवल असुरपात हो रहा है। वृक्षों पर जो पशु पक्षी बैठे थे अपलक दृष्टि से भरत को निहार रहे हैं और उनके आंखों से असुरपात हो रहा है भरत के प्रेम को देखकर। तो जड़ चेतन हो गए। एक बात और हुई थी, क्या हुआ? अच्छा, पहाड़ से जब जल गिरेगा तो बहना चाहिए ना, बहेगा, लेकिन वहां लिखे हैं कि जल बह नहीं रहा था। पहाड़ से जो भी जल गिरा, मतलब जो असुरपाद पहाड़ों के हुआ वो बहा नहीं, वो जल भी वहां का वहां रुका रहा, स्थिर हो गया जब तक भरत वहां से निकल रहे थे। मानो वो जल भी भरत के प्रेम को देख करके जड़वत हो गया, जैसे बर्फ के जैसा जम जैसा गया। ये भरत में विशेषता थी। भरत का चरित्र और जरा देखिए। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि भरत जी श्रेष्ठ हैं कि भगवान राम श्रेष्ठ हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तुलसीदास जी से पूछ लिया तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा भरत भवन बस तपतन कसक, भगवान राम चित्रकूट में है लक्ष्मण सीता के साथ, और चित्रकूट में पर्णकुटी बना करके तप कर रहे हैं, और भरत भवन बस तपतन कसहीं, भरत जी अयोध्या के महल में है वहां पर रह करके तप कर रहे हैं। और दौतिस समुज कहत सब लोगु और सब विद भरत सराहन जोगु, कह रहे कि ये बात हम नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारे तो इष्ट हैं भगवान, हम कैसे कहेंगे, लेकिन सब कहत सब लोगु दौतिस समुज दौतिस समुज कहत सब लोगु और सब विद भरत सराहन जोगु, कहते हैं अगर दोनों दिशाओं में सब लोगों ने देखा और देख करके कह रहे हैं कि सब विद भरत सराहन जोगु, भरत के जैसा कौन हो सकता। भरत की एक बात और कह के हम आगे बढ़ रहा हूं। जब अयोध्या से मनाने के लिए जा रहे थे भरत, प्रयाग पहुंचे, संगम में स्नान किया और स्नान करने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके प्रयाग से मांगा, क्या मांगा? भरत जी ने बड़ा सुंदर वर मांगा प्रयाग से, प्रयाग साक्षात उनके सामने प्रकट हो गया प्रयागराज, और उसने कहा कि तुम्हारे जो इच्छा हो वर मांग लो। तो भरत जी ने कहा
सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जब प्रयागराज प्रकट हुआ और प्रकट होकर के कहने लगा कि तुम्हारी जो इच्छा वो मांग लो, तो कहा केवल एक बर दे दो। क्या कहा? सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। ऐसा कृपा करो कि सीता राम के चरणों में प्रेम बढ़ता जाए बढ़ता जाए। केवल प्रेम लगा रहे ये नहीं, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। कहा प्रतिदिन प्रेम बढ़ता जाए। एक बात और कहे जो भरत जी ने कहा था, भरत जी वहीं पर केवल ये बात कहा, मांगहु भीख त्याग जने ये धर्मो आरत काह न करै कुकर्मो। कहा हम क्षत्रिय हैं, हमको मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन त्याग निज धर्मो, अपने निज धर्म का त्याग करके हे प्रयागराज अपना हम हाथ फैला करके मांग रहा हूं, आज कुछ दे दो। भरत के प्रेम को देखकर प्रयागराज पसीज गया और कहा मांगो, तो कहा सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। प्रयागराज कहने लगा, अरे भरत क्या बच्चों जैसा बात करते, अगर तुमको सीता राम के चरणों में प्रेम ना होता तो तुम अयोध्या जैसा राज्य पाने के बाद मनाने जाते? अरे तुम तो राज्य करते, मनाने जा रहे हो इसका मतलब है कि तुमको पहले से ही प्रेम है। तुम तो कुछ और मांग लो, धर्म मांग लो, अर्थ मांग लो, काम मांग लो। अंत में कह दिया मोक्ष तो काशी देती है, लेकिन हम तुमको मोक्ष भी दे देंगे, ले लो भरत। लेकिन भरत ने क्या कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। एक जन्म में नहीं, जब जब जन्म हो तब तक भगवान के चरणों में प्रेम हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। तो भरत के समान कोई नहीं हो सकता। कहते वहां जब मनाने के लिए गए तो भरत ने एक ऐसा प्रश्न किया कि जिस पर भगवान राम भी चुप हो गए थे, उत्तर नहीं दिया। क्या कहा? भरत जी वहां पहुंचने के बाद भगवान राम से पूछा कि पहले आप ये बताओ कि जो दो बर हमारी माता ने मांगा है दशरथ से, उसमें पहला बर हमको राज गद्दी मांगा गया कि पहला बर जो है राम को वनवास मांगा गया है? बर कैसा हुआ था? बात नहीं समझ में आ रही? अरे ना, भगवान राम ने यह बात भगवान राम से भरत ने पूछा कि बर पहला बर कौन सा मांगा गया? पहले भरत को राज गद्दी मांगी गई और दूसरे बर में राम को वनवास, के पहले राम को वनवास मांगा फिर भरत को गद्दी मांगी गई, कैसा मांगा गया? अब चूंकि पहला बर तो भरत को राज गद्दी मांगी गई थी, इसलिए राम चुप हो गए। भगवान राम समझ गए कि यदि हम ये कह देंगे कि पहला बर भरत को राजगद्दी और दूसरे बर में राम को वनवास, तो भरत कह देगा कि पहले चलो हमको राजा बनाओ, वनवास बाद में जाना, पहले पहली शर्त पूरी होनी चाहिए। और जैसे ये राजा बनेगा वैसे आदेश दे देगा कि जो है कि हम ये आदेश देते हैं कि हमारे माता का दूसरा बर निरस्त किया जाता है, हम राजा की तरफ से आदेश देते हैं और हमारा आदेश है कि राम को राजगद्दी होगी। इसलिए ये समझ गए भगवान राम, उत्तर नहीं दिया। उसके बाद सबको पता है सिर पर खड़ाव रख करके नंदी ग्राम में भरत जी 14 वर्ष व्यतीत किए, भगवान राम 12 लगभग 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे। उसके बाद सर्वंग ऋषि सुतीश्वर ऋषि आदि को दर्शन दिया, वहाँ से सुतीश्वर ऋषि के कहने पर भगवान पंचवटी पहुँच गए। कुछ काल पंचवटी में निवास किया, वहाँ सुपनखा आई। ये सुपनखा आने के बाद
लक्ष्मण को भगवान ने इशारा किया, इशारे पर लक्ष्मण ने सुपनखा का नाकदान काट दिया। वो अपने भाई खरदूषण के पास गई, वो 14,000 सेना लेकर के आए, भगवान ने एक ही बाण में उनका संहार कर दिया। इधर सुपनखा रावण के पास गई, वहां रावण को बताया कि दो राजकुमार अयोध्या के आए हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। रावण मन में विचार किया, मारीच के पास गया, मारीच ने रावण को सारी बात बता दी कि उनके उसमें मत पड़ो, वो बड़े वीर हैं, बिना फण के बाण मार दिए थे तो हम सात समुद्र से पार गिरे थे, उनसे युद्ध का विचार मत करो। लेकिन रावण नहीं माना और अंत में मारीच को कहा, तुम नहीं यदि हिरण बनोगे तो हम तुम्हारा वध करेंगे। मारीच ने सोचा जब मरना ही है तो भगवान के हाथों मरे, वो चला गया सोने का मृग बन करके। भगवान राम से वहीं पर केवल सीता जी ने एक बार आदेश दिया। पूरी रामायण देखिए तो माता सीता ने केवल एक बार राम को आदेश दिया था और उसका परिणाम 14 महीने तक लंका जैसी नगरी में रहना पड़ा। अब वाल्मीकि ने तो ये लिखा कि उससे भी प्राचीन नहीं हुआ, अयोध्या आने के बाद बहुत दिन तक सीता जी अयोध्या में नहीं रह पाई और फिर से जंगल जाना पड़ा। माता सीता ने कहा, प्रभु बड़ा सुंदर सोने का मृग है, एक बार इसे मार के हमारे लिए ला दो। यहीं से भूल शुरू हुई। भगवान राम मृग का पीछा किया, अंत में उसका उसको जब मारा तो उसने हा लक्ष्मण पुकारा। सीता जी के प्रेरित करने पर लक्ष्मण जी वहां गए और इधर रावण ने आकर के सीता का हरण कर लिया। वास्तव में सीता जी उसमें राम के कहने से अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी, यह सीता की एक छाया मात्र थी, प्रतिरूप मात्र था, उसको रावण लेकर के गया। रास्ते में जटायु मिला, जटायु ने जो है रावण पर आक्रमण किया और सीता को बचाने का बड़ा उपाय किया। अंत में रावण ने जटायु के पंख काट दिए और सीता जी को लेकर के जा रहा था। जब किष्किंधा पर्वत के सामने से सीता जी निकलने लगी तो सीता जी ने अपने कुंडल कान के और कंकण आदि वहां गिरा दिया। लंका पहुंच गई, वहां पर अशोक वाटिका में ठहराया गया। यहां लक्ष्मण जी को देखकर भगवान राम आशंकित हुए, कुटी लौट के गए, सीता जी नहीं मिली तो दुखी हुए, ढूंढने लगे, जटायु मिला, जटायु को अपने गोद में रख करके उसका संस्कार किया। कहते हैं जटायु ने बताया कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया है। आगे ढूंढते हुए निकले तो कबंध का उद्धार किया। कबंध के उद्धार के बाद भगवान राम शबरी के आश्रम पर पहुंचे। शबरी का एक बड़ा पावन चरित्र हम कहना चाह रहा हूं। ये एक संत ने हमको सुनाया, बड़े वृद्ध महात्मा थे। तो एक बार हम उनके पास गए तो हमसे कहा, ब्रह्मचारी यहाँ हो, तुम वेदांती हो लेकिन हम तुमको ये कथा सुना रहा हूँ। तो हम गए उनके पास, बड़े वृद्ध थे, तो उन्होंने ये कथा सुनाई थी हमको। वो हमको आप शबरी का चरित्र बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुने। कहते हैं शबरी, सब लोग जानते हैं शबर जन जाति की थी, वो मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। वहाँ के जो अन्य ऋषि महर्षि थे वो मतंग ऋषि से घृणा करने लगे कि यह शबर जात की स्त्री को आश्रम में आश्रय दे रखा है। उसके बाद मतंग ऋषि शबरी से यह बताए कि जो है एक दिन यहाँ भगवान राम आएंगे, दर्शन देंगे, तुम उनकी प्रतीक्षा करो, और स्वयं वैकुंठ को चले गए। एक दिन
एक महात्मा स्नान करने के लिए जा रहे थे। जब जा रहे थे तो ये सबरी भगवान आएंगे ये इसकी प्रतीक्षा में झाड़ू लगा रही थी रास्ते में। तो जब झाड़ू लगा रही थी तो एक पत्थर कंकड़ झाड़ू से टकरा करके महात्मा के पैर में लग गया। महात्मा बड़े नाराज हो गए, कहा अरे दुष्टा तुमने छू दिया हमको, हम पवित्र महात्मा हैं तपस्वी और तूने छू दिया हमको। बहुत नाराज हुए सबरी पर, कहा तुमको चिंता मत कर अब यहां से भगा देंगे। उसके बाद वो जा करके वहां एक सरोवर है, पंपा सरोवर कहते हैं उसको, बहुत जो लोग गए होंगे देखा होगा, बड़ा सुंदर सरोवर है वो। वो पंपा सरोवर में जाके महात्मा ने स्नान किया। जैसे स्नान डुबकी लगाए कि उस जल में कीड़े पड़ गए। क्या हुआ? उस जल में कीड़े पड़ गए। महात्मा को बड़ा और दुर्गंध आने लगी जल से। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे अभी तक इसमें कीड़े नहीं थे, अब कीड़े कैसे पड़ गए, ये दुर्गंध कैसे आने लगी। अब वो दूसरे महात्माओं से भी जाके बताए, दूसरे भी महात्मा आके देखे कि वास्तव में इसमें कीड़े पड़ गए, बदबू आ रही है, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जल पीने की समस्या बन गई, स्नान की समस्या बन गई, कई समस्या बन गई। अरे बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, बस थोड़ी देर की बात है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। वो तो जितने आएंगे जगह बनती जाएगी, कोई बात नहीं। अगर आप बीच में ऐसे करेंगे तो कथा बंद हो जाएगी। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। अब जल की समस्या बन गई कि जल कहाँ से पिया जाए, स्नान कहाँ से किया जाए। उसी समय भगवान राम वहां से निकले तो सारे ऋषि कहने लगे कि हम बड़े तपस्वी हैं, एक बार फलहार करके रहते हैं, कोई काम जल पी के रहते हैं, कोई काम वायु पी करके रहते हैं, सबके पहले हमारी कुटिया में भगवान आएंगे। इस तरह सब कह रहे थे कि सबसे ज्यादा तपस्वी हम हैं, हमारे पास आएंगे। लेकिन भगवान किसी की तरफ नहीं गए, किसी की तरफ नहीं गए। तो ऋषि लोग स्वयं आगे चल के मिलने के लिए आए तो ऋषियों से पूछा कि वो सबरी कहाँ रहती। तो कहा अरे प्रभु आप सबरी को पूछ रहे हैं, उस सबरी को? तो कहा हाँ हाँ उसी सबरी को, उसकी कहाँ कुटिया है। महात्माओं ने कहा ये लोग कहते हैं नारायण के अवतार हो, ये पूछ रहे उस सबरी को, कहे उधर ही रहती है वह, ऐसे बता दिया। तो भगवान ने कहा ठीक है हम वहीं चल रहा हूं। अब वो महात्मा भी अंदर से अब खुश नहीं है, लेकिन पीछे पीछे चल दिए। जब जाने लगे साथ में तब महात्माओं ने कहा प्रभु यहां एक पंपा सरोवर है और वह बड़ा निर्मल जल था, किसी समय उसका बड़ा पवित्र जल था, लेकिन अब उस जल में कीड़े पड़ गए हैं और थोड़ा दुर्गंध भी आ रही है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो वह पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो कहा हमारी कृपा कैसे? तो कहा यदि आप अपना चरण उसमें धो ले तो वह पवित्र हो जाएगा। भगवान नारायण ने कहा कि देखो भाई तुम लोग ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, तुम उसमें स्नान करोगे तो तुम्हारे स्नान से वो पवित्र होगा, हमारे स्नान से कैसे होगा। तो कहा हो जाएगा, कहा करके तो देखो। अब वह ऋषि लोग गए उसमें स्नान भी किया, पांव भी धो रहे हैं, लेकिन किसी के स्नान करने से ना वो पवित्र हुआ और ना तो दुर्गंध गई। तो सबने कहा प्रभु आप एक बार अपना चरण इसमें डाल दीजिए पंपा सरोवर में। सबके कहने पर भगवान राम ने भी अपना चरण डाल दिया उसमें।
लेकिन उस जल में पवित्रता नहीं आई, कीड़े नहीं नष्ट हुए। अब सबको बड़ा आश्चर्य होने लगा कि जो है फिर ये अब नष्ट होंगे कैसे कीड़े, ये जल पवित्र कैसे होगा। तो भगवान राम ने कहा एक बात बता सकते हैं, कीड़े तो साफ हो जाएंगे लेकिन तुम मानोगे नहीं। तो कहा बताओ, कहा वही सबरी का पैर इसमें डलवा दो। महात्माओं ने कहा क्या प्रभु आप भी ऐसे बात कर रहे हैं, उसी के वजह से तो हो गया। कहा उसने झाड़ू लगाया, एक पत्थर महात्मा को टकरा गया और महात्मा ने जाके उसमें नहाया तो कीड़े पड़ गए, आप कह रहे उसका पैर डलवा दो। भगवान राम ने कहा कि वैसे भी तो कीड़े नहीं मिट रहे हैं, एक बार डलवाने में क्या फर्क पड़ रहा है, उसका भी देख लो। महात्मा आप कुछ नहीं है, लेकिन जब कहा गया अब जो कि जल की आवश्यकता थी तो सबरी को बुलाया गया। सबरी ने कहा प्रभु, कहा नहीं आप हमारी आज्ञा है, तुम इसमें एक बार पैर डाल दो। जैसे सबरी ने पैर डाला वो सारा का सारा जल गंगा जल के समान पवित्र हो गया एकदम निर्मल। ये भक्ति की महिमा है, भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्त का मान रखते हैं। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, ऐसे है भगवान। उसके बाद महात्माओं की दृष्टि में सबरी का स्थान बन गया और भगवान सबरी के आश्रम पधारे। वहां सबरी ने कंद मूल फल आदि जो रखा था उससे सेवा किया और उसके बाद भगवान राम सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया और कहा देवी नव में एक भी जिसके पास होता है वो हमारा हो जाता है और तुम्हारे पास तो नव के नव हैं। सबरी को ऐसा कहा। उसके बाद भगवान राम को सबरी ने बताया कि यहाँ किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, उनसे मित्रता कर लीजिए प्रभु। भगवान वहां से आगे बढ़े। इधर सुग्रीव ने भगवान राम लक्ष्मण को आते देखा, भयभीत हुआ, हनुमान जी को भेजा भेद लेने के लिए। हनुमान जी पहले तो ब्राह्मण के भेष में आए और अपना उनका परिचय जाना, वो तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बल बीरा, कि तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम दो, कि आप तीनों देवताओं में कोई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं कौन आप। तब भगवान राम ने अपना परिचय दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितृ बाप वचन मान बन आए, काम दशरथ के पुत्र। भगवान राम ने ये नहीं कहा कि हम ब्रह्म हैं परमात्मा है, लेकिन हनुमान जी पहचान गए, प्रभु पहचान पर्यो गई चरना, अशो सुख उमा जाए नहीं बरना। कहते हैं हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु हम पूछ रहे हैं तो जीव है लेकिन आप ये कैसे पूछ लिया। भगवान ने हृदय से लगाया। भगवान शिव कहते हैं उस समय जो हमको सुख मिला वह उमा बता नहीं पाएंगे। उसके बाद सुग्रीव से अग्नि के समक्ष मित्रता की गई, भगवान ने बाली का उद्धार किया, बाली पहचान गया और उसने अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में दे दिया और कहा प्रभु आप इनको संभालिए, ये आपकी सेवा करेंगे। उसके बाद चार महीने भगवान वहीं पर चातुर्मास किया। चातुर्मास के बाद बानर भालू सीता की खोज में निकले, समुद्र तट पर पहुंचे और वहां से भगवान हनुमान जी लंका गए। लंका में सीता जी की खोज किया, विभीषण से परिचय हुआ और लंका को जला करके वापस आ गए। यहाँ राम को संदेश मिला, लौट करके भगवान राम समुद्र तट पर पहुंचे, तीन दिन तक समुद्र से प्रार्थना किया, जब नहीं माना तो बाण निकाला, अग्नि बाण जब निकाला तो भयभीत हो गया, शरण में आया और समुद्र के कहने पर भगवान ने तीन दिन में समुद्र पर पुल बांध दिया, पांच दिन में पुल बांधा गया,
तीन दिन प्रार्थना किया, पांच दिन में पुल बांध दिया, उस पार गए, सुबेल पर्वत पर पड़ाव डाला गया। अंगद को संधि करने के लिए भेजा गया लेकिन नहीं माना। अंत में युद्ध हुआ, वह आप सबको परिणाम पता है कि सारे राक्षस मारे गए, रावण कुंभकर्ण का भी उद्धार हो गया। और सीता जी को देख की अग्नि परीक्षा लेकर के भगवान राम वापस अयोध्या आए और यहाँ पर भगवान राम का राज तिलक कर दिया गया। अन्य पुराणों के अनुसार भगवान राम 11,000 वर्ष तक राज्य किया था, लेकिन भागवत के अनुसार भगवान राम 13,000 वर्ष तक राज्य किए थे। और उसके बाद सारे अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के सरयू में प्रवेश किया और सबको अपने धाम साकेत धाम लेकर के भगवान राम चले गए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। अब आगे चंद्रवंश की कथा श्रवण करें क्योंकि भगवान का प्राकट्य का समय आ रहा है। देखो अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र का नाम था बुध, बुध के पुत्र हुए थे राजा पुरुरवा। चंद्रवंश में सबसे ज्यादा पराक्रमी बलशाली राजा हुए थे पुरुरवा। पुरुरवा के आयु के पुत्र हुए नहुष। नहुष छत्रविद्ध रजी रंभ ये सब पुत्र हुए, तो नहुष सबसे उसमें प्रतापी राजा हुए और नहुष के 6 पुत्र हुए, यति ययाति संयाति रायति वियति कृति। यति ययाति संयाति रायति वियति और कृति। तो कहते हैं इसमें जो बड़े यति थे उन्होंने राज्य नहीं किया क्योंकि उनके पिता की दुर्गति हो गई थी। नहुष को पहले सबसे बड़े धर्मात्मा थे और उनको इंद्र बना दिया गया था। इंद्र बनने के बाद बुद्धि खराब हो गई, उन्होंने सब पूछा कि ऐरावत हाथी किसका है, नंदन वन किसका है। देवताओं ने बताया आपका आपका। अंत में पूछा इंद्राणी किसकी है, तो सब चुप हो गए। कहा जब सब कुछ हमारा है तो इंद्राणी भी हमारी होनी चाहिए। इंद्राणी भयभीत हुई, बृहस्पति के पास गई तो बृहस्पति ने कहा कि तुम कह दो कि जैसे इंद्र हमारे पास आते थे वैसे आए तो स्वीकार करेंगे। तो कहा कैसे आते थे, कहा ऋषियों के पालकी से आते नहीं थे इंद्र, लेकिन ऐसा कहा गया वहाँ। तो नहुष कामातुर हो चुके, इसलिए ऋषियों को पालकी में लगा लिया और कहा इंद्राणी के भवन चलो। जब चलने लगे, यद्यपि ऋषि अपनी गति से चल रहे थे लेकिन फिर भी नहुष को लग रहा था ये धीरे चल रहे हैं। तो एक बार कहा सर्प सर्प, ऋषि कुछ नहीं बोले, सर्प सर्प माने जल्दी चलो जल्दी चलो। दूसरी बार फिर कह दिया सर्प सर्प, ऐसा कह करके अपने पैर से ऋषि के कंधे पर मार दिया। जब मारा एड़ी से तो दुर्वासा को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा दुष्ट तू कह रहा है सर्प सर्प, जा तू सर्प ही हो जा। ऐसा श्राप दिया, वो पृथ्वी पर अजगर होकर के गिर गए। अब बाद में जब युधिष्ठिर से उनका संवाद हुआ था, युधिष्ठिर का स्पर्श पा करके फिर नहुष की सद्गति हुई थी। तो ये बात देख करके यति ने राज्य नहीं किया, ययाति को राजा बनाया गया। राजा ययाति के 2 पत्नियां थी, यदु और तुर्वसु, ये देवयानी के पुत्र हुए। और दूसरी जो शर्मिष्ठा थी उसके द्रुहु अनु और पुरु, ये 3 शर्मिष्ठा के पुत्र हुए। कहते हैं राजा ययाति बहुत काल तक सुख भोग किया, उसके बाद शुक्राचार्य जी ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम वृद्ध हो जाओ। तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, बड़े दुखी हुए वह।
शुक्राचार्य जी से प्रार्थना किया कि अभी हम तृप्त नहीं हुए हैं, फिर से युवा बना दो। तो कहा अपने पुत्र की जवानी ले लो। कोई भी पुत्र अपनी जवानी देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में छोटे पुत्र ने उनको अपनी जवानी दी। कुछ काल तक वह सुख भोग किया, फिर वैराग्य हो गया और पत्नी देवयानी के सहित जंगल चले गए। तब करके उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त कर लिया था। तो यही जो यदु थे, देवयानी के पुत्र, यदु के वंश में आगे चल करके एक राजा रंकदेव हुए। केवल एक मिनट में इनकी कथा भी सुनो, बड़े अच्छे राजा रंकदेव हुए। कहते हैं रंकदेव के राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। प्रजा बड़ी दुखी हुई तो राजा रंकदेव ने अपना भंडार खोल दिया, कहा जिसको जो चाहिए ले जाओ खाओ। भंडारा चलने लगा और जो है जो कुछ था खिलाते गए। अंत में सारा का सारा सामान समाप्त हो गया। जब कुछ भी रंकदेव जी के पास नहीं रह गया तो अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के सहित जंगल चले गए। जंगल जाने के बाद 48 दिन व्यतीत हो गया। जरा ध्यान से सुनिए, हमारा धर्म क्या है। 48 दिन व्यतीत हो गया और खाने को कुछ नहीं मिला, जल भी नहीं मिला। 48वें दिन जो है बड़ा सुंदर एक व्यक्ति आया, हाँ खीर मालपुआ पूरी सब कुछ लेकर के आया और कहा राजन ये आपके लिए, आप भोजन पाइए। उन्होंने कहा ठीक है, भोजन ले लिया और लेकर के पुत्र वधु पुत्र और पुत्र वो दो ये चारों मिलकर के बैठ गए। जैसे वो परोसना चाहा वैसे एक ब्राह्मण देवता आए, आवाज लगाई अरे राजन हमको बहुत भूख लगी है, भोजन मिलेगा। रंकदेव हाथ जोड़ करके निकले, आइए आइए ब्राह्मण देव, हम धन्य हुए आपकी अतिथि सेवा करके। ब्राह्मण को बैठाया और बैठा करके भोजन करा दिया। अब ब्राह्मण देव खा करके चले गए तो जो शेष बचा था कहा चलो इसी में चारों बांट के खा लेते हैं। अब जब बांटने लगे तो उसी समय एक शूद्र आ गया, अपने साथ में दो कुत्ता और लिया था। आकर के चिल्लाया अरे राजन सच कह रहा हूं, हम 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, बड़ी भूख लगी है। राजा रंकदेव ने कहा आओ आओ, हाथ जोड़ करके बाहर निकले, पत्थर रख दिया शूद्र को, लो खाओ। बैठ के गया वो, परोस दिया, खाने लगे। खाते समय उसने कहा राजन आप तो बड़े दयालु हैं, ये हमारे कुत्ते भी 3 दिन से बहुत भूखे हैं, इनको भी दे दो। राजा रंकदेव ने ये नहीं कहा कि तुम तो 3 दिन से भूखे हो, हम 48 दिन से, ये बात नहीं कही। जरा देखो हमारा धर्म। राजा रंकदेव ने कुत्तों को परोस दिया भोजन। अब भोजन बिल्कुल नहीं बचा। वो शूद्र और दोनों कुत्ते खा करके भोजन पूरा सफा कर दिए, जाने लगे। तब रंकदेव ने कहा कोई बात नहीं, अपने पास थोड़ा जल बचा है, चलो ये थोड़ा थोड़ा चारों मिलके जल पी के प्राण की रक्षा करेंगे। जैसे वो जल पीना चाहा कि उसी समय एक चांडाल आ गया, आवाज लगाई अरे बड़ी प्यास लगी है राजन, कल से पानी मिला ही नहीं, हमारे तो प्राण ही निकल रहे हैं, बचा लो मेरे प्राण को। रंकदेव जल का कलश लेकर के बाहर निकल गए और उन्होंने कहा लो। चंडाल ने अंजलि ऐसे किया और जो है रंकदेव ने जल पिला दिया, उसने पूरा जल पी गया, जल भी किंचित मात्र नहीं बचा। कहते हैं अब राजा रंकदेव प्रसन्न हो गए,
कि ऐसे समय में भी हमारी अतिथि सेवा हो गई, हम अतिथि सेवा से वंचित नहीं रह पाए। जब प्रसन्न हुए तो उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ प्रकट हो गए। कहा, ग्रंथिदेव ये कुत्ता नहीं थे, ये शूद्र नहीं था, ये चांडाल नहीं थे, हम ही तुम्हारे पास आए थे परीक्षा लेने के लिए। अब तुम जो चाहो वर मांग लो, हम प्रसन्न हैं। राजा रंतिदेव ने एक वर मांगा, कहा प्रभु हमको आप ऐसा वर दो कि हम सबके हृदय में बैठ जाए। कहा क्यों, हृदय में बैठ के क्या करोगे? कहा प्राणी मात्र को जो दुख हो वो दुख हम भोग करना चाहते हैं, और जो सुख हो वो प्राणी भोग करे। जरा विचार करो कि जो दुख हो प्राणी का वो हमको मिले, और जो है उनका भाव ये था कि सारे प्राणियों का दुख हमको दे दो, और जो हमारा पुण्य हुआ हो उसके बल से वर्षा कर दो, प्रजा को सुखी कर दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए राजा रंतिदेव से, और उन्होंने निष्काम भक्ति दिया राजा रंतिदेव को। यह हमारे यहां की संस्कृति। अब इसी वंश में आगे चल करके सूरसेन हुए। सूरसेन के पुत्र, सूरसेन मथुरा के राजा थे, ये तो वो सौरी गांव के राजा, लेकिन मथुरा में वो सारण दुर्मद विपुल ध्रुव ये रोहिणी के पुत्र हुए थे। सुभद्र भद्रवा दुर्मद भद्र ये पौरवी के पुत्र हुए। सब रानियों के पुत्रों का नाम बताया, समय अभाव है नहीं कह रहा हूं। अंत में बताया कीर्तिमान सुसेन भद्रसेन उदारधी ऋजो सम्मर्दन भद्र शंकरसर और आठवें कृष्ण। ये आठ पुत्र देवकी के गर्भ से देवकी के हुए। इतना सुन करके राजा परीक्षित बीच में बोल पड़े। राजा परीक्षित ने कहा कि मुनिवर रोहिणी स्तनया प्रोक्तो राम शंकरषण स्तया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम विना। कहने लगे कि अभी आपने शंकरषण को बलराम को रोहिणी का पुत्र भी कहा और फिर देवकी का पुत्र भी कह दिया, एक ही शरीर से दो माता के पुत्र कैसे हो सकते हैं, ये बात मुझे बताइए। फिर कहा देखिए अभी ये दशम स्कंद यहां से शुरू हो रहा है, तो भगवान की लीला का वर्णन शुरू कर रहे हैं, तो कहते हैं पहले तो ये बताइए कि बिना एक शरीर से दो माता के गर्भ से कैसे जन्म लिया। दूसरा बात बताइए कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहा ब्रजम गतः वा वासं ज्ञात भीषादं कृतवान सात्वतां पतिः। कहा कि हमने सुना है कि भगवान जन्म लेते ही अपना माता का घर छोड़ करके गोकुल चले गए, ऐसा क्यों किया? अब कहते हैं कि हमने ये भी सुना है कि उन्होंने अपने मामा का वध कर दिया, तो मामा तो वध के योग्य नहीं होते, फिर उन्होंने अपने मामा का वध क्यों किया? फिर पूछा कि ब्रज में रह करके भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, वो सारी लीलाओं को सुनाओ। मनुष्य के रूप में होकर के भगवान कितने वर्ष तक पृथ्वी पर रहे, उनके कितनी रानियां हुई, कितने पुत्र हुए, उनकी कथा भी मुझे सुनाइए। और अंत में कहा परीक्षित ने कि ये मत समझना कि हम चार दिन से कुछ भी खाए पिए नहीं तो हमको प्यास लग रही होगी, नहीं नहीं, आपके मुख से अमृतमयी है कथा को श्रवण करके हमको ना तो प्यास लग रही है ना तो भूख लग रही है। एक बात और बताएं हम आपको,
ऐसे किसी से कह दो कि भाषण दो तो एक घंटा के बाद जल पीने लगेगा। अब करके देख लो, एक घंटा बोलने दो भाषण और उसके बाद कह देगा थोड़ा जल पिलाओ। लेकिन भगवान का संकीर्तन रात भर करते रहो, भगवान के चरित्र का गान रात भर दिन भर करते रहो, लेकिन प्यास नहीं लगती, थकावट नहीं आती। उसका कारण क्या है? बोलने से ऊर्जा क्षीण होती है, लेकिन कौन सी? संसार की बात बोलने से ऊर्जा क्षीण होती है, और भगवान के चरित्र का गान करने से, कीर्तन करने से ऊर्जा संचित होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती। हाँ, ये भगवान के नाम में विचित्रता है। तो कहने लगे कि आप चिंता मत करो, आप तो हमको कथा सुनाओ। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भूमि दृप्त निपब्राज दैत्यानीक सतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। जब बहुत सारे असुर राजा के भेष में इस पृथ्वी पर आ गए और आकर के अत्याचार अधर्म करने लगे, तो यह पृथ्वी भार से आक्रांत हो गई, दुखी होकर के ब्रह्मा के पास गई कि हमारे दुख को दूर करो। ब्रह्मा जी ने कहा, इतने बड़े बड़े असुर आए हैं, अब हमारे बस की बात नहीं। तो कहा, फिर कहा भगवान नारायण की शरण में चलते। पृथ्वी गाय का रूप धारण किया, सारे ऋषि सारे देवता ब्रह्मा और शिव को साथ में लेकर क्षीर सागर पर गए। वहाँ पुरुष सूक्त से स्तुति किया, स्तुति करने पर भगवान नारायण की आवाज ब्रह्मा के हृदय में सुनाई पड़ी। तब ब्रह्मा ने देवताओं को ये बात बताई, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परहा। कहा वसुदेव के घर में साक्षात भगवान नारायण का अवतार होगा, आदि पुरुष नारायण का। कहा तुम देवता लोग भी अगर उस सुख का अनुभव चाहते हो, उनकी लीला देखना चाहते हो, तो ब्रज में जन्म ले लो। देवांगनाओं से कहा तुम भी अगर उनके दिव्य सुख का को देखना चाहती हो, लीला देखना चाहती हो, तो ब्रज में जन्म ले लो। यहाँ सारे देवता देवियां ब्रज में आकर के अपने अपना रूप धारण करके जन्म ले लिया। ब्रह्मा जी ने एक बात और बताई, कहा वासुदेव कलानंता सहस्र बदना स्वराट, भगवान अकेले नहीं आएंगे। कहा जो उनके शेष जी हैं, वो शेष भगवान भी बलराम के रूप में आएंगे, और उनकी महामाया का भी अवतरण होगा। इसलिए सब लोग ब्रज में पहुंच चलो। देवता लोग कहते हैं यहाँ सारे देवताओं का अवतार ब्रज में हो गया। एक बात आपको बताएं, अवतार और जन्म में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? अवतार और ब्रज जन्म में क्या अंतर होता है? वही शरीर अवतार वालों का भी रहता है और वही शरीर जन्म वालों का भी रहता है, लेकिन अंतर क्या होता है? बहुत सूक्ष्म अंतर। देखो, एक व्यक्ति तो कुएं में गिर गया, इधर से जा रहा था, ध्यान दे बात पे, इधर से जा रहा था और एक कुआं था, वो देख नहीं पाया और कुएं में गिर गया। जो कुएं में गिर गया वो बड़ा घबराया हुआ है, बात समझ रहे हैं ना? और दूसरा व्यक्ति उसको निकालने के लिए कुएं में उतरा हुआ है, तो जो उतरता है कुएं में उसको घबराहट नहीं रहती। जो उसको निकालने के लिए उतरता है उसको घबराहट
नहीं होती, और जो गिरा रहता है उसको घबराहट होती है। तो जिसका जन्म होता है जीव रूप से वो घबराया है संसार में, सुखी दुखी होता रहता है, और जो अवतार लेते हैं तो वो घबराए नहीं रहते, वो अपनी मस्ती में रहते, बस यही अंतर होता है। हाँ, तो सारे देवताओं का अवतार हुआ। इधर कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। उग्रसेन के एक भाई थे देवक, जिनकी पुत्री का नाम देवकी था। देवकी से बड़ा प्रेम करता था कंस। उसने कहा हम अपनी बहन का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ करेंगे, और विवाह कर दिया, बहुत सारा दहेज दिया। दहेज देने के बाद देवकी से इतना प्रेम करता था, कहा हम स्वयं पहुंचाने के लिए जाएंगे। जिस रथ पर देवकी वसुदेव बैठे उसके उसका सारथी स्वयं बना, और लेकर के जब देवकी के रथ को चला तो कहते हैं थोड़ी ही दूर गया कि आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंता याम पासे बुदा, कि अरे मूर्ख जिस बहन को तो इतनी लाड से ले जा रहा है इसी के आठवें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना सुनते तो वो जिस हाथ में लगाम पकड़ रखा था उसी हाथ से देवकी की चोटी पकड़ लिया, दाहिने हाथ में तलवार निकाल दी, और जैसे मारने चला के बीच में वसुदेव जी आ गए, हवा करके कहने लगे कि श्लाघनीय गुणासुरैर भवान भोज यशस्करा, उसकी बड़ी प्रशंसा किया कि आप तो भोज वंश के कीर्ति को बढ़ाने वाले, ये क्या करने जा रहे हो। कहा एक तो ये स्त्री, दूसरे तुम्हारी बहन, और तीसरा जो है विवाह का समय, अगर इसका वध कर दोगे तो लोक में तुम्हारे यश का क्या होगा, जरा ये तो बताओ। फिर भी वो नहीं माना, तो वेदांत का उपदेश दिया कि आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। फिर इस अनित्य शरीर तो एक दिन जाना है, आज मरो चाहे 10 साल बाद मरो, फिर ऐसा पाप क्यों करना। लेकिन फिर भी नहीं माना, तो अंत में कह दिया वसुदेव जी ने कि इससे तो तुमको कोई डर नहीं है ना देवकी से, इसके गर्भ से डर है ना, आठवें गर्भ से। ठीक है, जितने भी संतान होगी हम तुमको ले जाके दे देंगे। वसुदेव जी सदा सत्य बोलते थे, उसको विश्वास हो गया, इसलिए उसने जो है देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। देवकी वसुदेव अपने भवन को गए, वहां 1 वर्ष के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कीर्तिमान हुआ। कहते हैं कीर्तिमान का जन्म होते यद्यपि देवकी नहीं चाहती थी, लेकिन हमारी वाणी असत्य ना हो जाए, इसलिए वसुदेव जी ने ले जाकर के पुत्र को कंस को दे दिया। कंस ने देखा, कहा मित्र वसुदेव इससे हमारा कोई हमारी कोई शत्रुता नहीं, हमको तो आठवें गर्भ से भय है ना, ले जाओ इसको। ले करके वसुदेव जी वापस आए, लेकिन प्रसन्न नहीं थे। वो जानते थे कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, कब बदल जाए। इधर नारद जी वहाँ पहुँचे, अब पहुँच करके उसको समझा दिया, एक पुष्प दिखा करके देखो इसमें प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, जहाँ से गिनोगे बगल वाली 8 हो जाएगी। देवताओं की गिनती उल्टी चलती है, समझ लो। कंस फिर से बुलाया बालक को, पांव पकड़ करके पृथ्वी पर पत्थर पर पटक दिया। वसुदेव जी करते भी क्या, वहां से चले गए। इस तरह से 6 पुत्र जन्म लिए, और वसुदेव जी ले जाकर के उनको दे देते, कंस मार देता। 7वें गर्भ में स्वयं शेष भगवान आए, अनंत भगवान आए, देवकी की कांति बहुत बढ़ गई। उस समय कंस भयभीत हुआ और जेल में डाल दिया वसुदेव देवकी को।
जब 6 महीना हो गया तब भगवान ने माया से कहा कि तुम शेष को देवकी माता के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। रोहिणी नंद बाबा के यहाँ रह रही थी। महामाया जा करके देवकी के गर्भ से खींच के बालक को रोहिणी के गर्भ से में डाल दिया। यहाँ मथुरा में सबको ये पता चला कि देवकी का गर्भ गिर गया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो हमारे भय से अपने आप ही नष्ट हो गया वो। इधर रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम का प्राकट्य हो गया। 8वें गर्भ में फिर स्वयं भगवान आए। जब भगवान आए तो वसुदेव देवकी की कांति बहुत बढ़ गई। उसमें भगवान शिव ब्रह्मा सारे देवता ऋषि वहां जेल में आए। कंस हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कड़ा पहरा लगवा दिया, सारी व्यवस्था कर दी। भगवान शिव आदि ब्रह्मा आदि आए और बड़ी सुंदर स्तुति किया। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये असत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। कहा सत्य व्रतम, हे प्रभु आपका व्रत आपका संकल्प सत्य है, आप परम सत्य हैं, तीनों काल में आप सत्य हैं, ये सत्य के समान जो जगत दिखाई दे रहा है इसके कारण भी आप ही हैं, आपके कारण ये जगत सत्य के समान दिखाई दे रहा है और इस जगत के कण कण में आप ही समाहित हैं, आप व्यापक हैं। असत्य से सत्यम, हे प्रभु आप तो सत्य के भी परम सत्य हैं, आपको पाने का जो मार्ग है वो भी परम सत्य है, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा शिव आदि ने नमस्कार किया, सारे देवताओं ने। लंबी स्तुति है लेकिन समय अभाव से हम नहीं सुना रहा हूं। उसके बाद सारे देवता चले गए। जब सब चले गए भगवान के प्राकट्य का समय आया। श्री सुखदेव जी कहते हैं अथ सर्व गुणोपेतः काला परम शोभनः यरहे वाजन जनमर्चम सांतर्च ग्रह तारकम। श्री सुखदेव जी ने कहा अथ सर्व गुणोपेतः, उस समय ये काल बड़ा शोभायमान हो गया, बड़ा सुंदर हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान अकाल पुरुष हैं। क्या हैं? अकाल पुरुष हैं। आज जब अकाल पुरुष काल में आने लगा तो काल बड़ा सुंदर रूप धारण करके श्रृंगार करके प्रकट हो गया। यरहे वाजन जरमर्च सांतर्च ग्रह तारकम। कहते हैं ब्रह्मा का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ था वो नक्षत्र आ गया।